तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मंडी में एक बार फिर से ब्यास नदी का जो जलस्तर है वो बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है। प्राचीन पंचवक्त मंदिर फिर से जलमग्न हो चुका है और आपको बता दें कि 10% इस हिस्सा जो है वो पानी में डूब चुका है। 9 और 10 जुलाई को भी आधे से ज्यादा ये मंदिर पानी में डूब चुका था और पानी में मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ये तस्वीर आप देखिए, 10% हिस्सा पानी में डूब चुका है। इससे पहले भी जुलाई महीने की बात करें तो जुलाई महीने भी ये मंदिर पानी में डूब गया था, लेकिन फिलहाल ताजा तस्वीर सामने आई है, वो आपकी स्क्रीन पर। एक बार फिर से जलस्तर बढ़ा है, तबाही का मंजर इस समय हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से प्रकृति का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। मंडी में देर रात से हो रही बारिश अब लगातार कहर ढा रही है। जी हाँ, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बंद हो चुका है, तो वहीं अब बारिश के चलते वैकल्पिक मार्ग भी बंद हो चुके हैं। इतनी तेज बारिश अभी तक वैकल्पिक मार्गों का एक सहारा था लोगों के पास, लेकिन अब वैकल्पिक मार्ग भी बंद हो चुके हैं। जिले की अधिकतर सड़कें बंद हो चुकी हैं, बिजली पानी की आपूर्ति पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है, जनता परेशान है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। मंडी पंडो सड़क पर 7 मील के पास नाले में भारी बारिश से मलबा आ गया और बलह घाटी में आज भी आफत की बारिश जारी रहने वाली है और कनेट से लेकर नगचला तक 50 गांव प्रभावित हुए हैं। लोग के घर, दुकान, कार्यालय पानी से भर चुके हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भयावह तस्वीरें, प्रकृति के रौद्र रूप की तस्वीरें बिल्कुल आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रही है। तस्वीरें देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही किस कदर हुई, मौसम ने किस कदर हिमाचल प्रदेश को रौंद दिया है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से लहरों के थपेड़े रिहायशी इलाकों को लगे, उसके बाद की जो मार है वो तस्वीरों में दिखाई दी। मंडी के मझवाड़ गांव में अगर बात करें तो एक मकान गिर पड़ा, घर में मौजूद कई लोग मलबे में दबे हैं। मौके पर जो है राहत बचाव कार्य अभी भी लगातार जारी है। तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, मकान गिर गया, तेज बारिश हुई, बताया जा रहा है कि थोड़ा लैंडस्लाइड हुआ, उसके बाद जो मकान है वो गिर गया और मकान के मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। फोन लाइन पर नितेश सैनी जुड़ चुके हैं। नितेश, बताया जा रहा है कि तेज बारिश के चलते, तूफान के चलते और इस पानी के चलते एक मकान गिर गया है, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बताया जा रहा है कि कई लोग दबे हो सकते हैं मलबे में? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है, उसके तहत देर रात लगातार यहाँ पे भयंकर यहाँ पे बारिश हुई है, उसकी वजह से जो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पूरी तरह से यहाँ पे बंद हो चुका है और जो हाईवे है उस पर भारी मात्रा में मलबा यहाँ पे पहुंचा है। जो बादल फटने की घटनाएं वो भी यहाँ पे सामने आई हैं, उसके बाद जो यहाँ पे वाहन थे, कुछ वाहन भी यहाँ पे मलबे में बहे हैं और एक एचआरटीसी की बस भी यहाँ पे पूरी तरह से मलबे में बह चुकी है। जो ये मकान गिरा है, मकान के मलबे के नीचे कितने लोग दबे हैं, फिलहाल क्या रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थिति? जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पे लगातार चलाया जा रहा है, जो लोग हैं उनके अभी कुछ भी ऐसा पता नहीं चल पाया कि लोग कितने लोग नीचे दबे हैं, उनको जो प्रशासन है वो मौके पर पहुंच चुका है और पूरी तरह से जो स्थिति है अब यहाँ पे बेकाबू नजर आ रही है और जो प्रशासन है लगातार यहाँ पे प्रयास कर रहा है। ठीक है नितेश, किस समय मकान ढहा और उस समय कितने लोग मौजूद थे, कोई अंदाजा आसपास के लोगों ने कुछ बताया है कि कितने लोग रहते हैं, कितने लोग दबे हो सकते हैं? अभी तक इस बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। जो प्रशासन है वो मौके पर कार्रवाई कर रहा है और लोगों से भी यहाँ पे पूछताछ की जा रही है कितने लोग इसके नीचे हो सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे परिस्थितियां हैं। ठीक है, फिलहाल नितेश मंडी में किस तरीके का मौसम बना हुआ है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से तो कहा गया आने वाले 3 दिन के लिए भारी बारिश की आशंका, फिलहाल क्या मौसम की वर्तमान स्थिति? हाँ बिल्कुल सही करें, जो मंडी जिला में है इस समय स्थिति पूरी तरह से खराब बनी हुई है। जो मलबा है पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा नेशनल हाईवे पे यहाँ पे पहुंचा है और बादल फटने की घटनाएं भी यहाँ पे सामने आई हैं। आप देख रहे हैं चंडीगढ़ मनाली जो नेशनल हाईवे है उसके दोनों ओर भारी संख्या में यहाँ पे जो पर्यटक हैं वो भी यहाँ पे फंसे हुए हैं, बांध फंसे हैं, लोगों को कड़ी यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब पहली बार ये मानसून आया, अब की बार इस सीजन में, उस समय काफी नुकसान हुआ, एक बार फिर से प्रकृति रौद्र रूप दिखाती नजर आ रही है। मंडी में एक बार फिर से भारी नुकसान का आकलन हो सकता है आने वाले समय में, देखते हैं आप? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मंडी जिला में आने वाले समय में अरबों रुपए के नुकसान का अनुमान यहाँ पे लगाया जा सकता है, क्योंकि जो पंचभक्त मंदिर है मंडी का, जिसे शिव भोले के नाम से यहाँ पे जाना जाता है,
वो भी मंदिर पूरी तरह से इस जो पानी की चपेट में पूरी तरह से आ चुका है, और जो कुछ यहाँ पे HRDC की एक बस भी बही है, लेकिन उसमें जो चालक परिचालक है पूरी तरह सुरक्षित है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितेश जानकारी के लिए।